नमस्कार दोस्तों, BPNL ऑपरेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश सिंह। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो गाय है वो बच्चा देते समय और उसके बाद में हम उसकी देखभाल करना, उसमें देखा था हमने कि जो आरोपी है, जो जेर है, वो कैसे, कब, कितने टाइम में गिरनी चाहिए और किस प्रकार से गिराती है, जब नहीं गिराती है तो कौन सी दवाइयां काम में लेते हैं। अब इसके बाद में आता है, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, तो ये आता है आज का टॉपिक है दूध देने वाली गाय को सुस्त करना एवं सुस्त गाय का प्रबंधन। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो होता क्या है कि जो दूध देने वाली गाय है उसको सुस्त कैसे, सुस्त करना किसे कहते हैं। तो इसमें है कि जो गर्भित गाय होती है, गर्भित गाय है उसको गर्भित गाय के पश्चात या उसके ब्याने से पहले जो गर्भित गाय हो चुकी, यानी गाय गर्भित हो चुकी, तो गाय गर्भित है और लेकिन ब्याने से पहले तो सुस्त करना किसे कहते हैं। जो गर्भित गाय है, गाय गर्भित हो चुकी लेकिन ब्याने से पहले जिस पीरियड में उस गाय का या भैंस का दूध नहीं निकाला जाता है, जिसे कहते हैं कि या ब्याने के कुछ माह पूर्व दूध देना बंद कर देती है जो गाय या भैंस, उसे क्या कहते हैं हम, या अपना दूध सुखा लेती है उसे क्या कहते हैं, गाय ड्राई पीरियड या शुष्क करना, उसे कहते हैं ड्राई पीरियड या शुष्क करना। अब इसके बाद में आता है कि ये अवधि कितने दिन की होती है, जब गाय कितने दिन की अवधि होती है, 60 से 90 दिन की अवधि होती है। इतनी 60 से 90 दिन की अवधि होती है जब गाय ब्याने वाली होती है, और उससे पहले उसका दूध सुखाया जाता है कि अब गाय ब्याएगी तो कितने दिन पहले दूध छोड़ा जाता है, 60 से 90 दिन पहले उसका दूध छोड़ा जाता है या सुखाया जाता है, हम दूध नहीं निकालते। फिर इसके बाद में आता है कि जो ये शुष्क काल है उसके उद्देश्य क्या है, कि क्या उद्देश्य है, क्यों जरूरी है शुष्क गाय को शुष्क करना, उसका शुष्क काल क्यों जरूरी है। टॉपिक है शुष्क काल के उद्देश्य। तो इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट आता है कि किसी भी शरीर के अंगों को वापस रिपेयर, वापस स्वस्थ उत्पादन प्राप्ति के लिए आराम की आवश्यकता होती है। कि जैसा कि मान लो कि हम कोई काम कर रहे हैं, सारे दिन हमने कोई काम किया, तो आराम की हमें भी जरूरत होती है कि वापस रिपेयर, अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, कि हम वापस उसी प्रकार से जो काम हम कर रहे हैं वो अगले दिन या नेक्स्ट टाइम में अच्छे से कर सके। तो इसमें भी यही होता है कि शुष्क काल क्यों जरूरी होता है, कि जो अंग होते हैं शुष्क काल कि जो उत्तकों से जो दूध उत्पन्न होता है उनको आराम की आवश्यकता होती है, कि दूध सुखाया जाता है कि अगला जब ब्याएगी, जब पशु ब्याता है तो उसका दूध उत्पादन अच्छा होगा, जब उसे आराम देते हैं तो उसका दूध उत्पादन अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो होता है कि शुष्क काल के अगले व्यवस्थित दूध उत्पादन क्या होता है कि अच्छा होता है, जब शुष्क काल ड्राई पीरियड हो चुका है कि गाय दूध सुखा दिया और वो वापस रिपेयर हो गई, ब्या गई पशु की 60 से 90 दिनों तक हमने उसका दूध छोड़ दिया, यानी सूख दिया, सूख गया दूध की, दूध नहीं दे रही 60 से 90 दिनों तक। फिर इसके बाद में गाय जब ब्याती है, भैंस ब्याती है, तो दूध उत्पादन बढ़ता है, दूध उत्पादन बढ़ता है। दूध उत्पादन बढ़ता है क्यों, शुष्क काल के कारण, कि वो वापस रिपेयर होती है, वापस ऊर्जा प्राप्त होती है, वापस दूध बनना अच्छे से स्टार्ट होता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि जो इससे क्या होता है कि हम मान लो कि लास्ट एंड तक कि पशु कल ब्याने वाला है, तब तक भी हम दूध निकाल रहे हैं तो उसे वो आराम नहीं मिल पाएगा, और जो मादा पशु को जो न्यून बीमारियां होने वाली है, जैसे मिल्क फीवर, ये सबसे ज्यादा होती है कि पशु में, कि हमने दूध निकाल रहे हैं और कल भी दूध निकाला और अगले नेक्स्ट दिन पशु ब्या गया फिर भी दूध निकाले, तो कौन सी बीमारियां खतरा रहता है, मिल्क फीवर का।
मिल्क फीवर का डर रहता है। लेकिन अगर मान लो हमने ड्राई पीरियड अच्छे से किया है कि 60 से 90 दिन तक उस पशु का दूध छोड़ा है, उसका दूध सूख गया, फिर बाद में नेक्स्ट जब वो ब्याई तब से हमने दूध स्टार्ट किया है, तो मिल्क फीवर का जो बीमारियां होती है पशु में, जो दूध से संबंधित जो पशु में कैल्शियम की कमी से जो बीमारी होती है मिल्क फीवर, वो नहीं होगी अगर हमने जो सुस्ता ड्राई पीरियड अगर पूर्ण तरीके से निश्चित तरीके से किया हो। तो फिर आता है कि जो मॉरिशस और रंजन वैज्ञानिक थे, मॉरिशस और रंजन नाम के वैज्ञानिक थे दो, मॉरिशस व रंजन, कौन से वैज्ञानिक? मॉरिशस और रंजन वैज्ञानिकों के मतानुसार में उन्होंने कहा है कि मादा शरीर का भार अंतिम 3 माह में बढ़ता है, कि जो अंतिम के 3 माह होते हैं उसमें पशु का शारीरिक भार बढ़ता है। कौन सा? गर्भित पशु का। गर्भित जो पशु होता है उसके लास्ट के 3 महीने में उसका बॉडी वेट बढ़ता है। तो ये किसने कहा था? मॉरिशस और रंजन नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी बुक में कहा था। अब उन्होंने मत दिया था कि जो लास्ट के 3 महीने होते हैं उसमें गर्भित पशु का वजन बढ़ता है 3 महीने में, कौन से लास्ट के 3 महीने होते हैं उनमें उसका वजन बढ़ता है। फिर इसके बाद में आता है कि हमें जो सुस्कार के उद्देश्य हमने देखे कि क्या होता है, इससे कौन से फर्क पड़ता है कि इससे मिल्क फीवर भी ना हो, दुग्ध उत्पादन भी बढ़ता है। और फिर इसके बाद में आता है कि इसको जो सुस्काल है वो कैसे करें, इसकी विधियां कौन सी है, पशु को शुष्क करने की विधियां, दुग्ध पशु को दुग्ध पशु को शुष्क करने की विधियां। अगला पॉइंट आता है दूध, जो पशु दूध दे रहा है उसको शुष्क कैसे करें, कि रेगुलर क्या होता है कि पशु को हम रेगुलर दूध निकालते रहते हैं तो वो दूध देता रहता है, लेकिन उस दूध को कैसे सुखाया जाए, उसको कैसे छोड़ा जाए, उसको शुष्कार कैसे किया जाए। तो सबसे पहले विधि आती है अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि, अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि। कौन सी विधि आती है? अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि। इसमें क्या होता है कि इस विधि में पशु का जो दूध है, पशु का दूध धीरे धीरे सुखाया जाता है, कि एक साथ नहीं छोड़ा जाता, धीरे धीरे सुखाया जाता है। क्या होता है कि इसमें जो पशु का दूध है उसको कि दो टाइम निकालते हैं पशु का, ज्यादातर दूध क्या होता है कि देखें तो सुबह और शाम पशु का दूध निकालते हैं। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि मान लो कि हमने क्या होता है कि सुबह और शाम पशु का दूध निकाला जाता है, तो इसमें इस पूर्ण दूध दोहन विधि में क्या होता है कि जो पूरा दूध निकालते हैं हम सुबह और शाम, उसमें थोड़ा थोड़ा कम निकालते हैं, थोड़ा क्या करते हैं उसकी गांधी अडर में ही छोड़ देते हैं, क्या करते हैं उसकी गांधी में ही छोड़ देते हैं। लेकिन इसके चार या पांच दिन बाद में हम क्या करते हैं कि सुबह और शाम हमने थोड़ा थोड़ा दूध छोड़ा, उसकी अडरे गांधी में जो थोड़ा दूध छोड़ा तो वो सूखने लग जाता है, वो उतने ही दूध में आ जाती है जितना हम निकाल रहे हैं। फिर 4 या 5 दिन बाद क्या करते हैं उसका एक टाइम पर ही दूध निकालते हैं। पहले क्या थे, दोनों टाइम निकाल रहे थे लेकिन पूरा दूध नहीं निकाल रहे थे। तो वो कौन सी विधि है जिसमें अपूर्ण दूध दोहन विधि है, कौन इसमें क्या होता है कि एक टाइम क्या है पूरा दूध नहीं निकाला जाता, इसमें पूरा दूध नहीं निकाला जाता। अब अगली विधि आती है, दूसरी विधि आती है एनिमित दुग्ध दोहन विधि।
दूसरी विधि आती है अनियमित दुग्ध दोहन विधि। इस विधि में क्या होता है कि पशु को शुरू शुरू में एक बार दूध दोहन करते हैं कि इसमें तो हम दूध छोड़ रहे थे अडर में गाड़ी में थोड़ा थोड़ा दूध छोड़ रहे थे लेकिन इसमें अनियमित तरीके से करते हैं कि मान लो कि आज हमने सुबह दूध निकाला इसका सुबह दूध निकाला फिर हमने शाम को दूध नहीं निकाला फिर क्या करते हैं कि फिर नेक्स्ट दिन ऐसे ही करते हैं कि सुबह दूध निकाला और शाम को नहीं निकाला यानी एक टाइम दूध निकाल रहे हैं एक टाइम नहीं निकाल रहे तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो पशु का दूध सूखता जाता है पशु का दूध जो अडर में जो दूध आ रहा है नीचे वो कम होता चला जाएगा। इसी प्रकार फिर धीरे धीरे ऐसे करते हैं कि एक दिन छोड़ा दूध हमने एक दिन निकाला एक दिन छोड़ा और एक दिन निकाला फिर इसके बाद में जो अगली विधि आती है तीसरी विधि आती है पूर्णतया दुग्ध दोहन बंद विधि। पूर्णतया दुग्ध दुग्ध दोहन बंद विधि इसमें क्या होता है कि हम पूर्णतः दूध दोहना बंद कर देते हैं पूर्णतः दूध निकालना बंद कर देते हैं कि मान लो कि इसमें क्या होता है कि इस विधि में दूध दोहना एकदम बंद कर देते हैं शुरू से क्या किया हमने कि जो सुबह शाम जो दूध निकाल रहे थे उसमें थोड़ा थोड़ा दूध निकाला थोड़ा थोड़ा उसकी अडर में छोड़ दिया फिर एनिमित दुग्ध दोहन में कि सुबह निकाल लिया और शाम को नहीं निकाला सुबह निकाला और शाम को नहीं निकाला कौन सी विधि में एनिमित दुग्ध दोहन विधि में फिर ऐसे ऐसे हम एक दिन छोड़े एक दिन दूध निकाला तो उसने दूध देना कम कर दिया। इसके बाद में क्या होता है तीसरी विधि आती है कौन सी पूर्णतः दुग्ध दोहन बंद विधि कि इसमें पूर्णतः दूध निकालना बंद कर देते हैं एक साथ दूध दोहन बंद कर देते हैं लेकिन वो कब करते हैं जब यहाँ से अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि से जो विधि आया हमने वो पूर्ण की है तब एक साथ हम दुग्ध दोहन विधि बंद नहीं कर सकते दूध निकालने एक साथ बंद नहीं कर सकते। इसके बाद में आता है अगला पॉइंट आता है कि जो दुधारू पशु है उसको शुष्क करने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए जो दुधारू पशु है दुधारू पशु को शुष्क करने में सावधानियां कि हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए पशु को शुष्क करते समय तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब पशु स्वस्थ हो कि पशु स्वस्थ हो तभी ये विधि हमें अपनानी चाहिए कौन सी शुष्क करने वाले पशु को दूध ना निकालने वाली विधि तब करनी चाहिए जब पशु पूर्ण तरह से स्वस्थ हो पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो। फिर दूसरा आता है कि जो उसके पशु को शुष्क कर रहे हैं पशु को जिस पशु को हम शुष्क कर रहे हैं उसके चारों थनों में जो थनेला रोग होता है पशु क्या होता है जो थनेला रोग होता है कौन सा रोग होता है थनेला रोग किसमें होता है वो अडर गादी में होता है थनेला रोग तो इस थनेला रोग के बचाव के लिए क्या करते हैं हम इस पर ट्यूब छड़ाते हैं थनेला रोग की ट्यूब छड़ाते हैं तो किस नाम से आती है वो थनेला रोग की ट्यूब फ्लोक्सिडीन डी फ्लोक्सिडीन सीन जो थनेला रोग की ट्यूब आती है वो किस नाम से फ्लोक्सिडीन डीन के नाम से आती है। तो ये क्या करते हैं हम जब पशु को शुष्क करते हैं तो उसके ब्याने से पहले की क्या चढ़ाते हैं थनेला रोग की हम ट्यूब उस पर जो उसके थन होते हैं उन पर छटाते हैं कैप छटाते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि दूसरा पॉइंट आता है कि सूक्ष्म ज्ञापन गाय का
प्रबंधन, जो उसका प्रबंधन कैसे करे, जो शुष्क गाय है या गाभिन गाय है उसका प्रबंधन कैसे करे, शुष्क व गाभिन गाय का प्रबंधन। इसमें क्या होता है कि गाय का गर्भकाल कितना होता है, 280 से 290 दिन का। गाय का गर्भकाल कितना होता है, 280 से 90 दिन होता है गाय का गर्भकाल। गाय का गर्भकाल कितना होता है, 280 से 290 दिन। तो इसमें क्या करते हैं कि जो गर्भित गाय है, जो गर्भित गाय है उसको अंतिम तीन महीनों में कि प्रसव से तीन महीने पहले, प्रसव से तीन महीने पहले हमें क्या देना चाहिए, उसे 1.5 केजी दाना, 1.5 केजी दाना तथा साथ में क्या कि हरा चारा होता है, कितना देना चाहिए हरा चारा देना चाहिए, 20 से 25 केजी, 20 से 25 केजी हरा चारा। क्या 1.5 केजी दाना, 20 से 25 केजी हरा चारा और क्या लेते हैं, 50 ग्राम खनिज लवण, 50 ग्राम खनिज लवण। पचास ग्राम खनिज लवण, 30 ग्राम नमक और साथ में क्या देते हैं, 1 केजी गुड़। ये कब किया जाता है प्रबंधन, जो शुष्क गाय है गाभिन गाय है उसका प्रबंधन क्या किया जाता है कि हमने बात की कि जो गर्भकाल होता है गाय का वो होता है 280 से 290 दिन, लेकिन 280 से 290 दिन गाय का गर्भकाल होता है। अब जो शुष्क गाय और गाभिन गाय है उसका प्रबंधन कैसे करें, तो क्या करते हैं कि अंतिम जो तिमाही होती है, अंतिम तिमाही गाय को शुष्क करने के बाद में, गाय को शुष्क करने के बाद में जो अंतिम तिमाही होती है उसमें क्या देते हैं, हम पशु को 1.5 केजी दाना देते हैं, 20 से 25 केजी हरा चारा, 50 ग्राम खनिज लवण, 30 ग्राम क्या देते हैं, नमक खिलाते हैं और 1 केजी गुड़ पर डे प्रतिदिन दिया जाता है ये पशु को अंतिम तीन महीने में, अंतिम तीन महीने में। इसके बाद में आता है क्यों जरूरी है कि एक तो बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए ये जरूरी होता है कि उसके बच्चे का क्यों, पशु के साथ साथ बच्चे का विकास भी होना जरूरी है। फिर दूसरा आता है कि पशु के स्वयं प्रति जो प्रतिदिन जैविक क्रियाएं हैं, जो जैविक क्रियाएं हैं उसके एनर्जी भी चाहिए, उसे बच्चे को भी देना है, तो इन सब के लिए भी ये जरूरी है पशु के लिए। फिर आता है कि बच्चे का स्टील बर्थ रोकने के लिए, स्टील बर्थ का मतलब मैंने बताया था कि मरे हुए बच्चे का होना, मरे हुए बच्चे का होना क्या कहते हैं, स्टील बर्थ। तो इसको रोकने के लिए भी पशु को ये खिलाया जाता है, साथ में कि उसके अडर गादी के विकास के लिए, गादी के विकास के लिए, अडर की अडर के विकास के लिए। फिर साथ ही होता है कि इसमें ये सब खिलाया जाता है, ये खिलाया जाता है क्यों, बच्चे के विकास के लिए, उसकी आयन उसकी गांधी गांधी के विकास के लिए, साथ ही किस किस के लिए, ब्याह के अच्छा दुग्ध उत्पादन के लिए। अगला जो ब्याहत है पशु गर्भित है, अब नए टाइम में ब्याहेगी तो उसके अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए, साथ ही दुग्ध वसा का जो फैट प्रतिशत है वो बढ़ाने के लिए भी क्या दिया जाता, खिलाया जाता है, ये दाना खिलाया जाता है, हरा चारा खिलाया जाता है, खनिज लवण नमक गुड़ ये सब खिलाए जाते हैं। इसके बाद में आता है इसमें क्या होता है कि दुग्ध होना बंद क्यों करते हैं, जो पशु के आयनों के उत्तकों की मरम्मत के लिए, जो जो अडर होती है, जो गादी होती है,
एंड गाधी होती है उसके अच्छे विकास के लिए, अच्छा दूध उत्पादन के लिए क्या करते हैं, पशु को शुष्क करते हैं, पशु को शुष्क करते हैं। तो इसके बाद में आता है कि इसके बाद में क्या आता है, पशु को एकांत वातावरण में शांत रखना चाहिए, शांत वातावरण में रखना चाहिए कि पशु गर्भित है तो उसे शांत वातावरण में बांधे। साथ ही जो अगर मान लो किसी गर्भित पशु को कोई बीमारी हो गई तो पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए कि कोई पशु बीमार हो गया, गर्भित है पशु, तो उसके क्या करना चाहिए कि जो पशु चिकित्सक है, पास में जो पशु चिकित्सक है उसकी सलाह लेनी चाहिए। फिर आता है कि जो पशु है उसको किसी चिकने फर्श पर ना बांधे, जो पशु है उसको चिकने फर्श पर ना बांधे, क्योंकि गर्भित पशु को अगर हम चिकने फर्श पर बांधेंगे तो क्या होता है कई बार कि अगर चिकना है फर्श, अगर उस पर फिसल के पशु गिर गया तो पशु को नुकसान है और साथ ही जो गर्भ में जो बच्चा है उसे भी नुकसान हो सकता है। फिर साथ ही पशु को अच्छा स्वच्छ पानी पिलाए, और इसमें क्या होता है दूसरी बात की जो पशु गर्भित हो प्रसव होने वाला है तो 7 दिन पहले से ही जो हम जो दाना दे रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं वो कम कर देना चाहिए। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले, 7 दिन पहले कम कर देना चाहिए दाना, खनिज लवण, नमक, गुड़, जो हम पहले खिला रहे थे उससे क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ये चीजें खिलानी कम है कर देनी चाहिए। तो आज हमने बात की कि जो दूध देने वाली गर्भित गाय है उसको शुष्क कौन कौन सी विधियों से किया जाता है, कि नियमित अनियमित तौर से कि पूर्ण दोहन, दूध बंद करना, इन विधियों से कि हम उस पशु को शुष्क किया जाता है, उसका प्रबंधन क्यों आवश्यक है, कि पशु के स्वास्थ्य के लिए बच्चे के लिए भी जरूरी है कि उसको शुष्क करना, और साथ ही कि अगर हम शुष्क करेंगे तो अगले गांव में अच्छा उत्पादन दूध उत्पादन होगा, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, शुष्क करते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि पशु को शुष्क काल किसे कहते हैं, पशु का शुष्क काल को मैंने बताया कि जो पशु गर्भित होने के पश्चात और ब्याने से पहले, गर्भित होने के पश्चात और ब्याने से पहले है जो दूध देना बंद कर देती है उसे क्या कहते हैं, शुष्क काल कहते हैं। किसे कहते हैं कि ब्याने से पहले, यानी गर्भित होने के पश्चात और ब्याने से पहले जो दूध देना बंद कर देती है या सूखा लेती है उसे क्या कहते हैं, डाइड या शुष्क काल कहते हैं। धन्यवाद, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.